जय गौ माता, जय गोपाल। कामधेनु गौशाला यूट्यूब चैनल के ऊपर आप सभी गौ भक्तों का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि समय समय पर हम अलग अलग वीडियोस के माध्यम से देसी गायों की जानकारी आपके साथ साझा करते हैं, उसी कड़ी के अंतर्गत आज हम फिर एक नई वीडियो लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। आज हम देसी गायों की एक बहुत ही सुंदर नस्ल थारपारकर गायों के विषय में आपको बताएंगे। जी हाँ, जब भी कोई थारपारकर गायों का नाम लेता है तो स्वतः ही हमारे दिमाग में मोटी मोटी आँखों वाली, दूध से भी ज़्यादा सफ़ेद, सुंदर, सुशील और भोली सी गाय की तस्वीर बन जाती है। जी हाँ, आपने सही सोचा, मैं राजस्थान की देसी गायों की थारपारकर नस्ल की बात कर रहा हूँ। वैसे तो भारत की सभी देसी गायों की नस्लें ही बहुत सुंदर हैं, लेकिन जब थारपारकर की सुंदरता की बात आती है तो ये अपनी एक अलग पहचान रखती है। आए पहले थारपारकर गायों के मूल स्थान की बात करते हैं। थारपारकर राजस्थान प्रांत की नस्ल है। राजस्थान भारत का बहुत बड़ा राज्य है और राजस्थान के अंदर जो इलाके हैं, जैसे बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, जालौर और सिरोही, इन इलाकों में थारपारकर गाय पाई जाती है। राजस्थान का ये हिस्सा मरुस्थल है। इस मरुस्थल को थार मरुस्थल भी कहा जाता है और इसी कारण इस गाय का नाम थारपारकर पड़ गया। थार मरुस्थल बहुत दूर दूर तक फैला हुआ और जो गाय थार के पार पाई जाती है उसे थारपारकर कहा जाता है। आपको ये भी पता है कि गर्मियों में इस मरुस्थल की रेत उबलने लगती है। इस मरुस्थल में तापमान 52 डिग्री सेल्सियस तक भी रिकॉर्ड किया गया है और सर्दियों में तापमान शून्य से नीचे चला जाता है। लेकिन इतनी भीषण गर्मी और सर्दी दोनों को बर्दाश्त करती हुई मानव जाति को अमृत तुल्य दूध प्रदान करती है, उसे थारपारकर गाय कहा जाता है। और थारपारकर का एक नाम मालाणी भी है। मालाणी स्थान बाड़मेर क्षेत्र में आता है और राजस्थान के स्थानीय भागों में इस नस्ल को मालाणी नस्ल के नाम से भी जाना जाता है। थारपारकर गायों का रंग मुख्यतः सफ़ेद होता है, लेकिन सर्दियों में इसके सर से लेकर पीठ तक के भाग में काले रंग के बाल आ जाते हैं। इसका सर मध्यम आकार का, माथा चौड़ा और ललाट उभरा हुआ होता है। इसकी कदकाठी राठी और साहीवाल गायों से थोड़ी ऊंची होती है। थारपारकर गायों का स्वभाव बहुत ही भोला होता है। थार मरुस्थल की गर्मी में भी 10 लीटर से लेकर 20 लीटर तक दूध दे देती है। लेकिन अगर इसका सही ढंग से नस्ल सुधार और संरक्षण किया जाए तो इसमें दूध देने की क्षमता को बढ़ाया भी जा सकता है। थारपारकर गायों को बचाने के लिए सरकारों की तरफ से भी पहल की गई है। राजस्थान में सरकारी तौर पर सूरतगढ़ और चांदन, जैसलमेर, यहाँ पर सेंट्रल कैटल ब्रीडिंग फार्म बनाए गए हैं, जहाँ पर कई सालों से थारपारकर नस्ल को संभाल कर रखा गया है। और आप इन सरकारी फार्म्स पर थारपारकर गायों के दर्शन कर सकते हैं। इसके अलावा बीकानेर यूनिवर्सिटी द्वारा बीचवाल जगह पर थारपारकर ब्रीडिंग सेंटर भी बनाया गया है। लेकिन अगर मैं थारपारकर नस्ल की शुद्ध गायों की संख्या की बात करूं, तो ये संख्या कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। शुद्ध नस्ल की थारपारकर गाय 3,000 से लेकर 5,000-6,000 तक ही होंगी।
हमें मरुस्थल की इस बेहतरीन नस्ल को बढ़ाने के लिए प्रयास करने होंगे। जो नस्ल राजस्थान की तपती हुई रेत में भी भरपूर दूध दे सकती है, उसकी विशेषताओं को जानने के लिए भारतवासियों को उत्सुक होना चाहिए। कुछ ऐसा ही प्रयास हम इस वीडियो के माध्यम से कर रहे हैं। हमें ऐसी सुंदर और दुधारू प्रजाति की थारपारकर गायों की संख्या को लाखों तक पहुंचाने का मन बना लेना चाहिए। जो भी प्रयास हुए हैं, चाहे वो सरकारों की तरफ से चाहे प्राइवेट सेक्टर की तरफ से, उन प्रयासों को देखकर हमें संतोष नहीं होना चाहिए। अभी बहुत बड़े स्तर के प्रयासों की आवश्यकता है। ऐसे कई गौ भक्त भी हैं राजस्थान में या राजस्थान के साथ लगते क्षेत्रों में, जो थारपारकर गायों के संवर्धन में लगे हुए हैं। लेकिन हमें ऐसा प्रयास करना चाहिए कि राजस्थान के हर एक किसान के घर में थारपारकर गाय होनी चाहिए, क्योंकि प्रभु ने राजस्थान के लोगों को उपहार स्वरूप थारपारकर नस्ल की गौ माता दी है, क्योंकि थारपारकर गायों का उत्पत्ति स्थान राजस्थान है। ऐसा नहीं है कि ये गाय सिर्फ राजस्थान में ही पाली जा सकती है। इसकी गर्मी सर्दी को बर्दाश्त करने की क्षमता को देखकर इसको किसी भी स्टेट में पाला जा सकता है। और इसी उद्देश्य के साथ कामधेनु गौशाला सर्व श्री आशुतोष महाराज जी की कृपा से पिछले 10-12 सालों से थारपारकर गायों के ऊपर काम कर रही है। कामधेनु गौशाला में थारपारकर की लगभग 60 गाय एवं नंदी हैं। हालांकि ये संख्या भी पर्याप्त नहीं है। जब तक भारत में लाखों थारपारकर गाय नहीं होंगी, तब तक कामधेनु गौशाला प्रयास करता रहेगा। और अगर आप थारपारकर की भारत में लाखों गायों को पैदा करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपके पास जो चीज़ होनी ज़रूरी है वो है थारपारकर नस्ल के उत्तम नंदी। जी हाँ, किसी भी नस्ल को स्थापित करने के लिए श्रेष्ठ नंदियों का होना अति आवश्यक है। बिना नंदी के हम किसी भी नस्ल को बढ़ावा नहीं दे सकते। और इस कार्य के लिए अच्छे नंदियों को पैदा करना व उनका सीमन जगह जगह पर पहुंचाना नितांत आवश्यक है। कामधेनु गौशाला सायर जेनेटिक्स इस काम को पूरी लगन से कर रहा है। 10-12 सालों के प्रयासों के बाद हमने थारपारकर के कुछ श्रेष्ठ नंदियों का चुनाव किया है, जिनका सीमन कामधेनु गौशाला में उपलब्ध है। आप इन नंदियों का दर्शन इस वीडियो में कर रहे हैं। मेरा उन किसानों से निवेदन है जो थारपारकर गायों को पालते हैं, कृपया अपनी गायों को गाभिन करवाने के लिए वह उत्तम नस्ल के थारपारकर नंदियों का या उनके सीमन का ही चुनाव करें, क्योंकि अगर अच्छे नंदियों का चुनाव ना हो पाया तो किसान बहुत पीछे रह जाएगा, नस्ल सुधार नहीं हो पाएगा। और अगर नस्ल सुधार ना हुआ तो हम इस नस्ल को संरक्षित नहीं कर पाएंगे। वैसे तो कामधेनु गौशाला पंजाब प्रांत की साहिवाल नस्ल के ऊपर काम कर रहा है, लेकिन इसके साथ साथ हम राजस्थान की इस प्यारी सी सुंदर सी नस्ल थारपारकर को बचाने के लिए भी प्रयासरत हैं। कामधेनु गौशाला की थारपारकर गायों का दर्शन आप इस वीडियो में कर रहे हैं। थारपारकर गाय कामधेनु गौशाला में अच्छी तरह पल बढ़ रही हैं। इन्होंने अपने आप को गौशाला के वातावरण के अनुसार ढाल लिया है। साहिवाल और थारपारकर वैसे दूर की बहनें ही हैं, इनमें काफ़ी खूबियाँ मिलती जुलती हैं। हम अक्सर राजस्थान के इलाके जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, उनमें जाते रहते हैं और वहाँ पर हमें कई जगह बहुत सुंदर थारपारकर नस्ल की गायों का दर्शन होता है। लेकिन एक चीज़ जो वहाँ नज़र आई कई जगह के ऊपर, वो मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा। कई जगह हमने पाया कि कांकरेज जैसी दिखने वाली गायों को ही थारपारकर गाय समझा जा रहा है, और जानकारी के अभाव में वहाँ पर कांकरेज से थारपारकर को मिलाया जा रहा है। और जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो ना थारपारकर हैं और ना वो कांकरेज हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है।
मैं उस इलाके में बसने वाले किसानों को, हालांकि सब जगह ऐसा नहीं है लेकिन जहां पर भी है, उनको मैं ये अनुरोध करना चाहूँगा कि आप थारपारकर नस्ल की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करें और कोशिश करें कि थारपारकर को थारपारकर से ही मिलाया जाए और कांकरेज को कांकरेज से ही मिलाया जाए, फिर ही हम बहुत अच्छे से संरक्षण कर पाएंगे। अगर आपको जानकारी का अभाव है तो आप सरकारी इंस्टीट्यूशंस के पास जाकर या ऐसे सरकारी या प्राइवेट फार्म्स के ऊपर जाकर थारपारकर नस्ल की गायों को देख सकते हैं और जानकारी हासिल कर सकते हैं। और मैं राजस्थान के किसानों को ये भी कहूँगा कि वो थारपारकर गायों को बचाने के लिए अब कमर कस लें। जब जागो तभी सवेरा, वो दिन दूर नहीं जब राजस्थान के हर एक इलाके में थारपारकर की लाखों गाय होंगी। लेकिन इस स्वप्न को साकार करने के लिए सबको मिलकर अथक प्रयास करने पड़ेंगे। कामधेनु गौशाला आपको हर प्रकार का सहयोग देने के लिए तत्पर है और आज हम इस वीडियो के माध्यम से भारत के लोगों को इस सुंदर सी नस्ल की जानकारी दे रहे हैं। और आप सब लोग अपने अपने क्षेत्रों में अपनी अपनी क्षेत्रीय देसी नस्ल की गायों को संवर्धित और संरक्षित करने के लिए आगे आएं। आप सब जब मिलकर प्रयास करेंगे तो वो दिन दूर नहीं है कि भारत में देसी गायों की सभी नस्लें लाखों करोड़ों की संख्या में होंगी। मानव की आने वाली संतानें देसी गायों का दूध पीकर स्वस्थ होंगी और स्वस्थ संतानों में ही श्रेष्ठ आचरण के गुण विद्यमान होंगे। आइए इस पुण्य कार्य के लिए कामधेनु गौशाला का सहयोग करें। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या आप हमारे साथ हैं? क्या आप सभी नस्लों को बचाने के लिए तत्पर हैं? क्या आप अपने क्षेत्रों में इन नस्लों को बचाने के लिए आवाज़ बुलंद करेंगे? अगर आपका उत्तर हाँ है तो आप इस वीडियो के कमेंट में अपने विचार हमारे साथ ज़रूर साझा करें और हो सके तो इस वीडियो को सबके साथ शेयर करें। किसानों को घर जा जाकर इन वीडियोस को दिखाएं, फोटोग्राफ्स को दिखाएं, क्योंकि सबको जानकारी देना हमारा परम कर्तव्य है। और जो किसान थारपारकर या देसी गायों को रखते हैं उनको अच्छे नंदियों के चयन के बारे में बताएं, और जो किसान थारपारकर गायों को पाल रहे हैं उन्हें चिन्हित करें और उन्हें एक मंच पर लाने का प्रयास करें। थारपारकर गायों के दूध के महत्व को भी लोगों को बताएं। हम आने वाले समय में और भी वीडियोस लेकर आपके समक्ष उपस्थित होंगे। अभी बहुत काम शेष है, हमें आप सबके सहयोग की आवश्यकता है और हमें आपका सहयोग सदैव मिलता रहेगा। इसी आशा के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूं। अपने विचार कमेंट के माध्यम से हमारे साथ ज़रूर साझा करिएगा। जय गौ माता, जय गोपाल। धन्यवाद।